नमस्कार। आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये कहानी हमें जिंदगी में बहुत बड़ी सीख दे जाती है। एक बार की बात है, एक बार एक गांव में छोटा सा स्कूल था और स्कूल में एक मास्टर जी थे जो पामिस थे। हाथ की रेखाएं उनको पढ़ना आता था और बड़ा एक्सपीरियंस था उनका इस मामले में। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक छात्र आया, मास्टर जी ने उससे कोई होमवर्क करने को कहा था और छात्र ने होमवर्क पूरा नहीं किया। मास्टर जी को गुस्सा आया, मास्टर जी ने अपनी छड़ी उठाई और बच्चे से बोला कि अपना हाथ आगे करो। बच्चे ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, मास्टर जी ने उसके हाथ की रेखाओं को देखा और मास्टर जी शॉक हो गए, क्योंकि उस बच्चे के हाथ की रेखाएं ये कह रही थी कि इस बच्चे की मृत्यु आज निश्चित है। दुखी हो गए मास्टर जी, छड़ी हटाई वापस, बच्चे का ठीक है बच्चे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कल पूरा करके ले आना। स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चा स्कूल से अपने घर वापस गया, मास्टर जी भी घर गए वापस। रात में मास्टर जी को नींद नहीं आई, बहुत परेशान थे। छोटा सा बच्चा, उम्र ही कितनी थी उसकी, महज 13-14 साल का रहा होगा। अगले दिन मास्टर जी बुझे हुए मन से वापस आए स्कूल में, क्लास में पहुंचे, मास्टर जी का आश्चर्य की सीमा नहीं गई वहां पर, क्योंकि वो बच्चा अपनी सीट पर बैठा हुआ था। बहुत देर तक सोचते रहे मास्टर जी, ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी हाथ की रेखाएं ये कहती थी कि उसकी मृत्यु कल निश्चित थी और आज वो जिंदा है, मेरे शास्त्र में कोई कमी नहीं हो सकती है। इतना कॉन्फिडेंस था उनको अपने आप पर। उसने बच्चे को बुलाया और बोला, बच्चे को आप बताओ, कल विद्यालय से जब तुम घर गए तो तुमने क्या किया? उसने कहा, मास्टर जी जब मैं रास्ते में था, अपने घर की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा रास्ते में कि दो गड्ढे थे रोड के किनारे, एक गड्ढे का पानी सूख रहा था और दूसरे गड्ढे में पानी भरा हुआ था। उस सूखे हुए गड्ढे में कई सारी मछलियां थी जो दर्द से छटपटा रही थी, क्योंकि पानी खत्म हो गया था उसमें। मैंने अपनी शर्ट उतारी और मछलियों को उस सूखे गड्ढे से निकालकर जो पानी वाले गड्ढे थे उसमें मैंने डाल दिया। मछलियां बहुत खुश, क्योंकि उनको जिंदगी वापस मिली थी, और मैं उसके बाद घर चला गया। घटना तो छोटी थी लेकिन एक बहुत बड़ी सीख ली गई मास्टर जी को। मास्टर जी ने अपने शास्त्र की जितने किताबें थी उन सबको फाड़ दिया और एक बहुत बड़ी सीख जिंदगी की उन्होंने आज सीखी थी कि ये जो हाथ की रेखाएं होती है वो शाश्वत नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो बदलती है, और हाथ की रेखाएं बदलती हैं हमारे कर्म से। अगर हम अपने दैनिक जिंदगी में अपने कर्म को सुधार लें, अच्छा काम करें, किसी का नुकसान नहीं करें, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें, दोस्तों हमारी तकदीर बदल जाती है। और यही छोटी छोटी चीजों की जरूरत है जो हमें अपने दैनिक जिंदगी में करने की जरूरत होती है। डॉक्टर इज साइनिंग ऑफ, थैंक यू। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू।